नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2020 से देय था। इसे कोरोना काल होने के कारण स्थगित कर दिया गया था एवं 1 जुलाई 2020 से मिलने वाली वेतन वृद्धि में सरकार द्वारा आज दिनांक तक स्थगित है। अतएव प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ की यह प्रमुख मांग है कि वर्ष 2021-22 सत्र में कर्मचारियों की निम्न मांगों का तत्काल निराकरण किया जाए। जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 को वेतन वृद्धि का लाभ एरियर सहित दिया जाए। जुलाई 2020 से राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता स्थगित कर दिया गया था, उसको केंद्र के समान किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतनमान का लाभ 1/1/2016 से दिया जा रहा है, किंतु गृह भाड़ा भत्ता व वाहन भत्ता छठवें वेतनमान के हिसाब से किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को कोरोना काल में 4 गुना महंगाई बढ़ने के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अतः गृह भाड़ा भत्ता व वाहन भत्ता केंद्र के कर्मचारियों के समान दर से प्रदेश के कर्मचारियों को प्रदाय किया जाए और उक्त संबंध का एरियर भी प्रदाय किया जाए। राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 2016 से कोर्ट प्रकरण होने के कारण स्थगित है, अतः उक्त पदोन्नति के संबंध में नई पदोन्नति नीति तैयार कर प्रदेश के सभी वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। पदोन्नति का लाभ न मिलने के अभाव में प्रदेश के लगभग हजारों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राज्य के कर्मचारियों को वर्ष 2005 से लागू NPS योजना को तत्काल बंद कर पेंशन योजना पूर्व की तरह लागू की जाए। इस मौके पर दीपक कुमार केवट प्रांतीय अध्यक्ष, विवेक रेखवार प्रांतीय कोषाध्यक्ष, लाल बहादुर सहानी प्रांतीय सचिव आदि उपस्थित रहे। मांगों को लेकर शासन को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। हमारी मांगे हैं जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 को वेतन वृद्धि का लाभ और एरियर सहित दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है जुलाई 2020 से राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता स्थगित कर दिया गया था, उसको केंद्र के समान किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को पुनरक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतनमान का लाभ दिया जा रहा था रहा है, किंतु गृह भाड़ा भत्ता वाहन भत्ता छठवें वेतनमान के हिसाब से किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को कोरोना काल में 4 गुना महंगाई बढ़ने के साथ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः गृह भाड़ा भत्ता वाहन भत्ता केंद्र के कर्मचारियों के समान दर से प्रदेश के कर्मचारियों को प्रदाय किया जाए एवं उक्त संबंध का एरियर भी प्रदाय किया जाए। और हमारी चौथी मांग है राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 2016 से कोर्ट प्रकरण होने के कारण स्थगित है, अतः उक्त पदोन्नति के संबंध में नई पदोन्नति नीति तैयार कर प्रदेश के सभी वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ किया जाए। पदोन्नति का लाभ न मिलने के अभाव में प्रदेश के लगभग हजारों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और हमारी पांचवी मांग है राज्य के कर्मचारियों को वर्ष 2005 से लागू NPS योजना को तत्काल बंद कर पेंशन योजना पूरी तरह से लागू की जाए। ये हमारी पांचवी से मांग है। सारे मुद्दे लेकर आप माननीय मुख्यमंत्री पहले मुलाकात हो चुकी है, पहले पूर्व में पूरा पूर्व में मुलाकात कर मार खराब है। सुरेंद्र कुमार खरे संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ से, किसी संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ से संयुक्त सचिव हूँ। और आज हम शासन से 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ श्री गगनम्बा जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं। तो शासन से हम मांग करते हैं कि हमारा जो DA 2 जुलाई 2020 से इंक्रीमेंट DA जो ड्यू है वो हमको दिया जाए और एरियर भी उसका दिया जाए। तीसरी जो मांग है वो हमारी के संबंध में जो हमको आज भी छठवें वेतनमान के अनुरूप दी जा रही है उसको हमको सातवें वेतनमान के केंद्र के समान दी जाए। और जो चौथी मांग है पदोन्नति की मांग है, पदोन्नति ना होने के कारण प्रदेश में हजारों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, जिससे वो बहुत दुखी है। क्योंकि प्रकरण है ना कोर्ट में लंबित है, हम चाहते हैं कि कोई शासन नया विकल्प बनाकर उसको है ना नीति बनाकर शासन प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिले। और पांचवी जो मांग है NPS पेंशन योजना को बंद किया जाए
और पुरानी पेंशन योजना लागू की। तो इस पूरे मामले में आपने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की है क्या? जी हमने ना पहले ना मुलाकात कर चुकी है और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, देखिए आंदोलन हर चीज का समाधान नहीं है। अगर सहज भाव से कर्मचारी की समस्या को सुने मुख्यमंत्री जी तो है ना हम लोगों ने कोविड-19 में जिस तरीके से शासन के लिए मतलब है ना कार्य किया है वो है ना सारे कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा है और शासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, हम उनका ही अभिन्न हिस्सा हैं। हमारी जो मांगे हैं जुलाई 2020 से हम 1 जुलाई की इसको वेतन वृद्धि का लाभ और सीरियर सही दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है जुलाई 2020 से राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता स्थगित कर दिया गया था उसको केंद्र के समान किया जावे। प्रदेश के कर्मचारी को पुनरक्षित वेतन मान 2017 के अनुसार वेतन मान का लाभ दिया जा रहा था रहा है किंतु गृह भाड़ा भत्ता व वाहन भत्ता 6वें वेतन मान के हिसाब से किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को कोरोना काल में 4 गुना महंगाई बढ़ने के साथ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः गृह भाड़ा भत्ता व वाहन भत्ता केंद्र के कर्मचारियों के समान दर से प्रदेश के कर्मचारियों को प्रदाय किया जाए एवं उक्त संबंध का एरियर भी प्रदाय किया जाए। और हमारी चौथी मांग है राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 2016 से कोर्ट प्रकरण होने के कारण स्थगित है, अतः उक्त पदोन्नति के संबंध में नई पदोन्नति नीति तैयार कर प्रदेश के सभी वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ किया जाए। पदोन्नति का लाभ न मिलने के अभाव में प्रदेश के लगभग हजारों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और हमारी पांचवी मांग है राज्य के कर्मचारियों को वर्ष 2005 से लागू NPS योजना को तत्काल बंद कर पेंशन योजना पूरी तरह से लागू की जाए, ये हमारी शासन से मांगे हैं। सारे मुद्दे लेके आप माननीय मुख्यमंत्री मुलाकात हो चुकी है? पहले पूर्व में मुलाकात मैं जितेंद्र कुमार खरे संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ से अपने प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ से संयुक्त सचिव हूँ और आज हम शासन से 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ श्री गगनम्बाज जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं। तो शासन से हम मांग करते हैं कि हमारा जो DA दो जुलाई 2020 से इंक्रीमेंट DA जो ड्यू है वो हमको दिया जाए और एरियर भी उसका दिया जाए। तीसरी जो मांग है वो हमारी मांग है HRE और CA के संबंध में जो हमको आज भी 6वें वेतन मान के अनुरूप दी जा रही है उसको हमको 7वें वेतन मान के केंद्र के समान दी जाए। और जो चौथी मांग है वो पदोन्नति की मांग है। पदोन्नति ना होने के कारण प्रदेश के हजारों कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं जिससे वो बहुत दुखी हैं। चूँकि प्रकरण है ना कोर्ट में लंबित है, हम चाहते हैं कि कोई शासन नया विकल्प बनाकर उसको है ना नीति बनाकर शासन और प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिले। और पांचवी जो मांगे NPS पेंशन योजना को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। इस पूरे मामले लेकर आपने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की है? जी हमने ना पहले ना मुलाकात कर चुके हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, देखिए आंदोलन हर चीज़ का समाधान नहीं है। अगर सहज भाव से कर्मचारी की समस्या को सुने मुख्यमंत्री जी तो है ना हम लोगों ने कोविड-19 में जिस तरीके से शासन के लिए मतलब है ना कार्य किया है वो है ना सारे कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा है और शासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, हम उनका ही अभिन्न हिस्सा हैं।